अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, चैप्टर इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोगों का डिस्कशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हमारे पास कुल मिला करके चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एक है वेपर वेपर प्रेशर लोवरिंग। सबसे पहले चारों का नाम लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती हैं, तो ओनली एंड ओनली रिलेटिव नंबर ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स या फिर और क्लियर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे पानी में चीनी को घोल दो, चीनी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स तुमने पानी में घोले हैं उस पर डिपेंड करता है। और रिलेटिव लिखने का मतलब पानी के रेस्पेक्ट में, जैसे एक किलोग्राम पानी तुमने हर बार लिया, कंपैरिजन करोगे तो एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा ना, पानी और चीनी दो चीजों को आपस में घोल रहे हो तो चीनी और पानी दोनों को नहीं चेंज कर सकते, एक चीज को फिक्स करके दूसरे चीज को चेंज करेंगे। तो या तो चीनी का अमाउंट फिक्स करके पानी का अमाउंट बदलते रहो या तो पानी का अमाउंट फिक्स करके चीनी का अमाउंट बदलते रहो, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वे में हम बात कर रहे हैं। ये चीज अभी थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती है, जो डिपेंड करती है किस पर, केवल और केवल रिलेटिव नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स तुमने घोल रखा है पानी में या किसी भी चीज में, कोई जरूरी नहीं हर बार पानी में ही घोलोगे, किसी भी चीज में तुमने किसी चीज को घोल रखा है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनके नंबर पर डिपेंड करते, नॉट ऑन साइज, चार्ज एंड नेचर। साइज पर, चार्ज पर, नेचर पर नहीं डिपेंड करेंगे, मतलब पार्टिकल बड़ा है कि छोटा उससे मतलब नहीं है, पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है इससे भी मतलब नहीं है, पार्टिकल एसिडिक है कि बेसिक है कि कैसा है, खट्टा है मीठा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ मतलब एक चीज से है कि पार्टिकल्स का नंबर क्या है, सॉल्यूशन में तुमने जिन पार्टिकल्स को घोला है उनका नंबर क्या है। अभी थोड़ी देर में जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो बात और साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें इन चारों को समझना है कि वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या चीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी क्या चीजें हैं, तब तो हम लोग इनके बारे में कोई बात कर पाएंगे। तो सपोज तुमने क्या किया, तुमने पानी लिया प्योर वाटर और पानी में तुमने थोड़ा चीनी घोल दिया, और ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चीनी मिलाया पानी मिलाया सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा, गुड। तो प्योर वाटर जो है, प्योर अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, वाटर लिखा मतलब प्योर ही माना जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है प्योर वाटर बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसीलिए उसको बार बार समझाना पड़ता है कि नहीं प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज जो है वाटर लिखना ही काफी है। एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट वाटर लिखा मतलब हो गया प्योर वाटर, लेकिन फिर भी चलो प्योर वाटर।
तो प्योर वाटर जो है इसका अपना वेपर प्रेशर होता है, मतलब जैसे तुम पानी को किसी बर्तन में बंद करके रख दो तो तुम देखोगे पानी का जो भाप बनता रहता है, पानी के वेपर्स बनते रहते हैं और ऊपर जाकर के ढक्कन में जमा हो जाते हैं। तो प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री जो भी है इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो चलो मान लो हम लोग रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं और इसका वेपर प्रेशर 200 mm है, 200 mmHg। मरकरी वाले स्केल पर इसका प्रेशर जो है 200 mm है। जब तुम इसमें थोड़ा सा चीनी घोल दोगे, चीनी क्या है, ये एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं इसे, ठीक है। ये शब्द याद रखोगे, नॉन वोलाटाइल मतलब कुछ चीजों को तुम रख दो और एक हफ्ते बाद खोजने आओगे तो अपने आप उड़ जाता है, गायब। लेकिन चीनी के साथ ऐसा नहीं, उसको रख दो एक हफ्ते एक महीने एक साल के बाद आओ, वो गायब नहीं होगा, वहीं पर पड़ा रहेगा, उसी तरह से पड़ा रहेगा, उसका वेपर नहीं बनता है, नॉन वोलाटाइल, इसका वेपर ना बने। तो पानी लिया, पानी बोले तो हमने एक सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिया, और उस लिक्विड में हमने एक सॉलिड मटेरियल या एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया, सॉल्यूशन बना। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर 200 से कम हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 195 कि कुछ कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल बाय द पॉइंट मान लेते हैं कि 200 से 195 हो गया। तो ये जो कमी आई, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नाम लिखा है ना, वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर का कम हो जाना। तो कितना कम हो गया, 200 से 195, तो ये जो बीच का डिफरेंस है डेल्टा पी कह सकते हो, वो जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से प्योर वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब तुम इसमें क्या करोगे, चीनी घोल दोगे, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चलो मान लिया कि ये 103 डिग्री सेल्सियस हो गया, तुमने चीनी कुछ ऐसा घोला कि 100 से बढ़कर के कितना हो गया, 103 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 डिग्री। तो डेल्टा टी बी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डेल्टा टी बी कितने डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान देना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहते हैं इसे ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, और इसे हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी। तो यहां जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर में जितनी कमी आ गई, प्रेजेंट सिचुएशन में कितनी कमी आ गई, 5 mmHg, ये जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ गया, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चीनी घोलने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा, ठीक, 0 से नीचे जाओगे तो माइनस में, चलो मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसे कह देते हैं डेल्टा टी एफ, ये है 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे, हमें डिफरेंस देखना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया और जितना कम हो गया वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑस्मोटिक प्रेशर, प्योर वाटर का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, प्योर वाटर का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम पानी में कुछ घोल देते हो उसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है, प्योर वाटर का कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, लेकिन उसमें जैसे ही तुमने कुछ घोला उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ बन जाएगा, तो अभी फिलहाल इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0 है, लेकिन जैसे ही चीनी घोल दोगे अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा, 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, वो अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर का लोअरिंग, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जैसे पानी में कुछ घोलोगे, चीनी घोला नमक घोला कुछ भी ऐसा घोला,
जो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहा जा सके। तो तुरंत जो है वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा घट जाएगा, जीरो से नीचे चला जाएगा। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम देखोगे तो जब प्योर वाटर रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो रहेगा, लेकिन जब पानी में कोई चीज घोल देते हो तो उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है हम लोग अभी समझते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट रिमेम्बर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को पकड़ दो, किसी भी एक प्रॉपर्टी को पकड़ लो। जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को ही ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ले लिया। हम सपोज 1 किलोग्राम पानी ले लेते हैं। अब इस 1 किलोग्राम पानी के साथ हम कुछ एक्स मोल, किसी कंपाउंड का एक्स मोल, चलो मान लिया एक्स मोल जो है हम लोगों ने ग्लूकोज इसमें घोल दिया, और ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कुछ न कुछ तो बढ़ेगा ना। चलो मान लिया वाई डिग्रीज बढ़ गया, वाई डिग्री सेल्सियस जो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पहले 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, अब 100 प्लस वाई हो गया, 100 से बढ़ करके 100 प्लस वाई। तो हमने इसमें एक्स मोल ग्लूकोज का घोला और ये बॉइलिंग पॉइंट में इतना इंक्रीमेंट आया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से हम 1 किलोग्राम पानी ले लेंगे, ठीक, पानी के अमाउंट को फिक्स रखा है, और इधर क्या है 2x मोल अब ले लो ग्लूकोज का, और तुम देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इट इंक्रीजेस बाय 2y डिग्री सेल्सियस। इसमें y बढ़ रहा था, इसमें 2y, इसमें y का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 2y का इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स है x मोल है, मोल संख्या होती है, तुम्हें पता है ना मोल में जब बोलते हैं मतलब हम गिनती काउंट कर रहे हैं। 1 मोल बोलने का मतलब कितना होता है, 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के 1 मोल में। एक्स मोल में कितना हो जाएंगे, एक्स इंटू इतना। 2x मोल में कितना हो जाएंगे, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, और जब 2x कर दोगे तो 2 × x हो जाएगा। तो यहां पर जितने मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, एक्स मल्टीप्लाइड विथ 6.022 × 10²³, और यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना है, दैट इज 2x मल्टीप्लाइड विथ 6.022 × 10²³। तो पार्टिकल्स का नंबर जो है वो डबल हो गया, और पार्टिकल्स का नंबर डबल होने से इसका जो इफेक्ट है वो भी डबल हो जाएगा। इधर इंक्रीमेंट y डिग्री सेल्सियस का था, बॉइलिंग पॉइंट में इतना इजाफा हो गया, यहाँ पर 2y डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर तुमने डबल कर दिया। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये पार्टिकल ग्लूकोज का रहा है, मान लो हम कोई ग्लूकोज की जगह कोई दूसरा मॉलिक्यूल चुन ले, हम 1 किलोग्राम वाटर ले ले और इसके साथ सपोज हम एक्स मोल यूरिया को डिजोल्व कर दे, अब जो सोल्यूशन बनेगा वो पहले वाले सोल्यूशन के इक्विवेलेंट रहेगा। 1 किलोग्राम पानी 1 किलोग्राम पानी, एक्स मोल ग्लूकोज एक्स मोल यूरिया, जितने पार्टिकल्स यहां ग्लूकोज के हैं उतने ही पार्टिकल्स यूरिया के हैं, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यहां पर जितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा वाई डिग्री सेल्सियस। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम 1 किलोग्राम पानी ले रहे हैं और इसमें एक्स मोल NaCl घोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, क्या वाई डिग्री सेल्सियस होगा? तो अभी तक का अपना एक्सपीरियंस कहता है, पिछले केस में क्या था, 1 किलो पानी में एक्स मोल ग्लूकोज घोला था, 1 किलो पानी में एक्स मोल यूरिया घोला, जितने मॉलिक्यूल्स यहां थे उतने मॉलिक्यूल्स यहां पर घोले हैं, इसीलिए जितना बॉइलिंग पॉइंट यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट यहां भी वही होने वाला है, यहां वाई डिग्री तो यहां भी वाई डिग्री। तो इस केस में भी हम लोग ऐसा ही कुछ कह सकते हैं, 1-1 किलोग्राम कॉमन है, जितना मोल यहां पर यूरिया घोला है उतना ही मोल NaCl घोला है, तो बॉइलिंग पॉइंट y डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं 2y डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा, Na प्लस देगा Cl माइनस देगा, तो जो देखने में भी x मोल है वो पानी में घुलने के बाद
एक्स मोल ऑफ सोडियम आयन एंड एक्स मोल ऑफ क्लोराइड आयन बनेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना यहाँ पर अभी दिख रहा है उसका दोगुना हो जाएगा, इसीलिए इफेक्ट भी जो है दोगुना देखने को मिल रहा है। तो एक्स मोल यूरिया की तुलना में एक्स मोल NaCl इसका इफेक्ट दोगुना होगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है डबल हो गए। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल के ऊपर कि निगेटिव चार्ज है, पार्टिकल बड़ा है कि पार्टिकल छोटा है, पार्टिकल नाटा है कि पार्टिकल मोटा है, पार्टिकल एसिडिक है कि बेसिक है, इन सब चीजों से मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज से मतलब है और उस चीज का नाम है नंबर ऑफ पार्टिकल। यूरिया का पार्टिकल डेफिनेटली छोटा होगा, यूरिया का फॉर्मूला जानते हो ना, NH2CONH2, छोटा मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल बड़ा हो या मॉलिक्यूल छोटा हो साइज से मतलब नहीं है, मतलब मेरे को किस चीज से है ना, साइज से मतलब है ना, मास से मतलब है ना, पॉजिटिव से मतलब है ना, नेगेटिव से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है। अगर दो सॉल्यूशन इस तरह से बना रहे हैं कि दोनों में रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी सेम सेम आएगा, और अगर पार्टिकल्स का नंबर अलग अलग है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगा। जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा आएगा, जिसमें पार्टिकल्स का नंबर कम होगा उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू कम आएगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज अपने पास हो गए और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हमने समझा। इनके लिए फॉर्मूला हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर लोअरिंग को डील करते हैं। वेपर प्रेशर लोअरिंग, मान लो अपने पास एक प्योर सॉल्वेंट जैसे पानी, और इसका वेपर प्रेशर जो है वो है पी नॉट, और इसमें हमने कुछ घोल दिया, कह रहे इसमें हमने कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया। अब क्या बना? सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, डेफिनेटली इससे कम होगा, कह देते हैं पी एस है। तो जो डिफरेंस आएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो पी नॉट माइनस पी एस, इसको बोलेंगे ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो तुम लिख सकते हो इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आती है? तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह की सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग निकालते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं इस कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही आता है जितना यहाँ पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो अब हम इसी को लिख सकते हैं, दैट इज पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको यहां डिवाइडेड बाई में लेते चले आओ, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस स्टेटमेंट को हम लोग राउल्स लॉ भी कहते हैं। एक बार इसको हम लोग और पढ़ेंगे दूसरे मॉडिफाइड फॉर्म में, जब हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, या तो भी लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं। पानी जो है लिक्विड है, चीनी जो है सॉलिड है, लिक्विड एंड सॉलिड। अभी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो लिक्विड और लिक्विड की बात करेंगे, तो वहां पर राउल्ट लॉ को दूसरे फॉर्म में देखेंगे थोड़ा सा। तो फिलहाल इसे हम राउल्ट लॉ कहते हैं। तो ये P नॉट माइनस पी एस, इस क्वांटिटी को तुम क्या नाम दोगे? इस क्वांटिटी को नाम दोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। और P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड P नॉट, इस क्वांटिटी को पूरे क्वांटिटी को क्या नाम दिया जाएगा? इस पूरे क्वांटिटी को नाम देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला हो जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मान लो हमने दो चीजों को घोला है, ठीक, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट का स्मॉल एन मोल लिया है, सॉल्वेंट का कैपिटल एन मोल लिया है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालोगे? सॉल्यूट का मोल
डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल बोले तो एन प्लस एन, तो यही फॉर्मूला जो है ऐसे लिखा जा सकता है और इसी को हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं, दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसी को हम लोग राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं। तो ये अपना राउल्ट्स लॉ। और अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली स्मॉल एन जो होगा वो कैपिटल एन की तुलना में काफी छोटा होगा। डाइल्यूट मतलब जो चीनी घोला है बहुत थोड़ा सा घोला है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मोल क्या होगा, वो बहुत छोटा होगा। तो छोटा होगा तो क्या होगा, जो एन प्लस एन का वैल्यू है वो लगभग जो है एन के ही बराबर आ जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए हो और 10 रुपए तुम कहीं से और कमा लाओ, तो अभी भी जो टोटल वैल्यू लगभग लगभग 1,00,000 ही कहा जा सकता है। 10 रुपए से कुछ बहुत न बढ़ गया न कुछ बहुत घट गया, 10 रुपए आ गए कि 10 रुपए चले गए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब दूसरी छोटी क्वांटिटी जोड़ते हो तो जो नेट रिजल्ट होता है वो नियरली बड़े वाले क्वांटिटी के ही बराबर होता है। तो लगभग लगभग अभी भी ये 1,00,000 रुपए के पास में है, कोई बहुत आगे तुम नहीं निकल गए। तो स्मॉल एन कैपिटल एन, अगर स्मॉल एन बहुत छोटा है तो इसका जो वैल्यू है वो कैपिटल एन, एन प्लस एन का जो वैल्यू है कैपिटल एन के बराबर होगा। तो हमारा जो लॉ था, जो फॉर्मूला था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बाई एन प्लस एन, हम लोग इसमें से इस एन को इग्नोर कर दें, ठीक, इसको इग्नोर कर दो तो ये हो जाएगा एन बाई एन हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, जरूरत पड़ने पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले, ये राउल्ट्स लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक, अब जैसे सपोज अपने पास एक सवाल आ जाए, कह दिया जाए कि अपने पास कह दो एक सॉल्वेंट है, वैसे तो पानी अच्छा सॉल्वेंट है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस बार पानी नहीं लेते, हर बार क्या पानी पानी किए रहते हैं, इस बार कुछ दूसरा चीज लेते हैं। जैसे हम लोग डाइथाइल इथर ले सकते हैं, डाई इथाइल इथर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बीच में एक ऑक्सीजन, इधर एक इथाइल ग्रुप और इधर एक इथाइल ग्रुप, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर बहुत तेजी से बॉयल होकर के उड़ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस माना कि रूम टेम्परेचर, इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 500 mm है। अब इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हमने घोल दिया कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, घोल दिया, और ऐसा करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिला, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ना वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर आ रहा है कह देते हैं 480, कम हो गया। तो अब कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर 500 से 480 हो गया, तो जो पी नॉट है वो हुआ 500, जो पी एस है, वो है 480। ठीक, दोनों का डिफरेंस पी नॉट माइनस पी एस ये आ जाएगा 20, इसी को फिर से पी नॉट से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बस सॉल्व हो गया, 0 से 0 कटा दो, 2/50 या 1/25, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1/25। तो जरूरत पड़ने पर इस तरह के कैलकुलेशंस भी हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, राइट। अगले प्रॉपर्टी पर आते हैं, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन।
तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को चलो हम डेल्टा टी बी से दिखा देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अब तुम समझ ही रहे हो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर लिक्विड है उसका कम है, उसमें कुछ घोल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कितना हो गया बढ़ करके, कुछ ना कुछ हो गया बढ़ करके। दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं वो डेल्टा टी बी है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके इक्वल लगा दें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी क्या है, डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहेंगे, या फिर इसे हम मोलल, सॉरी नॉट मोलल, इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम इसे दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, इसे याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। दोनों ही फॉर्मूले सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन अभी हम इस क्लास में ला नहीं रहे। हम चाहते कि प्रॉपर्टीज को तुम समझ लो, इनके फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रह भी नहीं जाता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, राइट। तो अब सपोज हम दो सोल्यूशन बनाते हैं। एक सोल्यूशन हमने बनाया सुगर का, सुगर प्लस वाटर। दूसरा बनाया हमने ग्लूकोज प्लस वाटर। तो और दोनों का मोलैलिटी सेम रखा, दोनों का मोलैलिटी क्या है, हमने सेम रखा। जितना मोलैलिटी इसकी उतनी मोलैलिटी इसकी, मतलब जितना मोल पर किलोग्राम यहां पर सुगर घोला है उतना ही मोल पर किलोग्राम यहां पर ग्लूकोज हमने घोल रखा। पहले सिचुएशन में जितना मोल पर किलोग्राम सुगर, दूसरे सिचुएशन में उतना मोल पर किलोग्राम ग्लूकोज हमने घोल रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल सेम है, तो रिलेटिव नंबर भी सेम होगा। नंबर ऑफ मोल सेम होने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम हो जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सेम होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट इसका एलिवेट करेगा इसका भी बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट करेगा। तो पहले सिचुएशन के लिए जो वैल्यू डेल्टा टीबी का है, दूसरे सिचुएशन के लिए भी वही वैल्यू डेल्टा टीबी का हो जाएगा, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। दोनों सिचुएशन के लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू सेम है, राइट। पहले सिचुएशन में जो मोलैलिटी है, दूसरे सिचुएशन में भी वही मोलैलिटी है। तो डेल्टा टीबी सेम है, मोलैलिटी सेम है, तो हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं अब केबी भी सेम होगा। अगर एक इक्वेशन में तीन क्वांटिटीज है और दो सोल्यूशन के लिए ये दोनों सेम हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप सेम हो ही जाएगा। तो डेल्टा टीबी दोनों सोल्यूशन के लिए सेम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और केवल केवल और केवल पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है, इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि वो सुगर है कि ग्लूकोज है कि यूरिया है कि क्या है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो वैल्यू सेम है, तो डेल्टा टीबी दोनों का सेम। मोलैलिटी हमने सेम कहा ही है, इसीलिए डेल्टा टीबी सेम हो जा रहा है, क्योंकि सेम मोलैलिटी मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सेम मोलैलिटी सेम डेल्टा टीबी, तो केबी का वैल्यू सेम होगा। तो केबी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, सोल्यूट पर या सॉल्वेंट पर, सुगर पर या वाटर पर, ग्लूकोज पर या वाटर पर। तो हम कह सकते हैं अगर केबी का वैल्यू सुगर और ग्लूकोज पर डिपेंड करता होता तो अलग अलग सिचुएशन में केबी का वैल्यू अलग अलग आता, लेकिन दोनों सिचुएशन में हमने देखा डेल्टा टीबी सेम, मोलैलिटी सेम, तो केबी तो अपने आप सेम हो ही जा रहा है। और केबी सेम होने का मतलब ये सुगर और ग्लूकोज पर डिपेंड नहीं करता, ये वाटर पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, हमने पूरा लॉजिक दिया, ऐसा नहीं बस कह दिया तुम याद कर डालो। दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, मोलैलिटी सेम है, इसीलिए डेल्टा टीबी सेम है। ये दोनों सेम है तो केबी का वैल्यू सेम सेम आएगा, और इसका वैल्यू सेम आने का मतलब हम कह सकते हैं ये सुगर और ग्लूकोज पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वाटर पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन, इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है। तो पानी में तुम क्या घोलते हो उससे मतलब नहीं है, पानी के लिए जो कांस्टेंट होगा हर बार सेम होगा। पानी में तुम चीनी घोलो कि पानी में तुम ग्लूकोज घोलो, पानी में तुम नमक घोलो, जो घोलना है वो घोल दो, हर बार जो है वैल्यू सेम है, राइट। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है कि के बी का वैल्यू जो है वाटर के लिए वो है 0.50 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। मतलब सोल्यूशन अगर एक मोलल रहे, सोल्यूशन की मोलैलिटी वन रहे, तो बॉइलिंग पॉइंट में इतना एलिवेशन होगा। कहने का मतलब यह है अब हम लोग एक सोल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग कह दो 0.36 ग्राम ग्लूकोज हमने ले लिया और उसको जो है 10 ग्राम पानी के साथ मिला दिया, और ऐसा करके जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने लोगों को खोज करके निकालना है। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो पता लगाना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला जो देखा है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अपने को पहले आइडिया होना चाहिए कि प्योर वाटर जब तक रहेगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और जैसे उसमें कुछ घोल दोगे बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, वी कैन कैलकुलेट बाय फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, ये मोलैलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोलैलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग कहते हैं मोलैलिटी बराबर मोल हम ले लेंगे ग्लूकोज का और डिवाइडेड बाय किलोग्राम ले लेंगे वाटर का। मोलैलिटी निकालने का ही तरीका होता है, ये ब्रैकेट वगैरह हटा देते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज एंड किलोग्राम ऑफ वाटर। ग्लूकोज कितना मोल है ये ग्राम में दिया हुआ, इसको मोल में बदल सकते हैं। ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो 180 आएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट है इतना 0.36 ग्राम, ग्राम में रखेंगे हम, मॉलिकुलर वेट है 180, जब ये डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया ग्लूकोज का मोल, इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। पानी को किलोग्राम में लेना है तो 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 10 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये किलोग्राम में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/100 किलोग्राम, दोनों को उठा करके यहाँ पर रख दो। तो मोल कितना हो गया 0.36 डिवाइडेड 180 डिवाइडेड बाय किलोग्राम कितना हो गया 1/100। सॉल्व कर लो इसको, 0.36/180 ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा 100/1, 100 को 36 से मल्टीप्लाई 0.36 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो इसका एक जीरो जाएगा तो डेसिमल एक पॉइंट आगे खिसकेगा, एक और जीरो जाएगा तो डेसिमल एक और आगे पॉइंट खिसक जाएगा, तो ऊपर हो गया 36 और नीचे 180 वैसे ही पड़ा हुआ है। 18 से ये 10 बार में जाएगा, 18 से ये 2 बार में जाएगा, तो 2/10 मतलब 0.2 मोल पर केजी, यही मोलैलिटी आया है, यहां पर उठा करके इसको हम रख देंगे। तो मोलैलिटी हो गया 0.2, केबी का वैल्यू हमें क्वेश्चन के साथ दिया हुआ रहेगा, हमें अपने से याद करके नहीं जाना है, वो वैल्यू भी उठा करके इसमें रख दो 0.50। सॉल्व कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 50 × 2 = 100, इसमें एक अंक के बाद डेसिमल है, इसमें दो अंक के बाद डेसिमल है, तो इसमें 1, 2, 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओगे, इधर जीरो भी लिख सकते हो। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट इतना डिग्री बढ़ गया, इतना डिग्री बढ़ गया, था कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है और प्लस इतना डिग्री बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो अब वैल्यू होगा दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके जो वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, कोई चीज घोला है तो घोलने के बाद सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल करके और केबी से मल्टीप्लाई करके, मोलैलिटी और केबी को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना है, और जो एलिवेशन है उसको बॉइलिंग पॉइंट में एडजस्ट कर देंगे कि प्योर वाटर रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें ग्लूकोज घोल दिया तो इतना बढ़ गया, तो इतना प्लस इतना मिला दो, तो सॉल्व करोगे तो जाएगा 100.100 डिग्री सेल्सियस। ये फालतू के दो जीरो हटा भी सकते हो, तो 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो पानी में 10 ग्राम पानी में 0.36 ग्राम ग्लूकोज घोलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। एक और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इस बार थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, अच्छे से ध्यान देंगे। इस बार हम लोग NaCl को लेते हैं, हमने कह दो हमने 1 किलोग्राम पानी ले लिया और इसके साथ जो है 0.3 मोल NaCl ऐड कर दिया, और ऐसा करने से सॉल्यूशन बन गया,
जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को पता लगाना है। के बी का वैल्यू फिर से दे दिया है 0.50, थोड़ा चेंज कर देते हैं 0.52 कर देते हैं डिग्री सेल्सियस पर मोल। और हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है कि ये जो सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। पानी लिया, NaCl लिया, घोलकर सॉल्यूशन बना दिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा निकालना है। तो जैसे इसमें NaCl घोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलैलिटी, राइट। यही अपना फॉर्मूला है, मोलैलिटी कितना आएगा। तो मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोल पर केजी, तो मोल ऑफ NaCl बाई केजी ऑफ वाटर, ऐसा लिख सकते हो ना, मोल ऑफ NaCl बाई केजी ऑफ वाटर, केबी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। मोल ऑफ NaCl कितना है, 0.3 मोल, तब तो यहां पर उठा कर 0.3 मोल। पानी कितना लिया था हम लोगों ने, 1 किलोग्राम पानी लिया हुआ है, वो भी उठा करके यहां पर डिवाइडेड बाई 1 केजी, तो ये हो गया मोलैलिटी। और KB का वैल्यू जो लिया है 0.52 इस बार दिया है, तो 0.52 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0.52 मल्टीप्लाइड, ये 1 से 0.3 को कटाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर से वापस वही आ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतना देखने को, फॉर्मूला कहता है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सावधान, इस बार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतना नहीं होगा बल्कि इसका दोगुना होगा। क्यों दोगुना होगा, क्योंकि NaCl का जो मॉलिक्यूल है टूटेगा तो Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, तो सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें 0.3 मोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, वो 0.3 मोल्स नहीं होंगे बल्कि 0.6 मोल्स हो जाएंगे। क्यों 0.6 मोल, क्योंकि 0.3 मोल सोडियम आए, 0.3 मोल क्लोराइड आए, दोगुना हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई को कह देते हैं वांट हाफ फैक्टर, ठीक। अगर कोई डिसोसिएशन वगैरह नहीं हो रहा है तो आई इक्वल टू 1, कुछ नहीं हो रहा, जैसे ग्लूकोज था कुछ नहीं हो रहा था, तो वहां पर आई वन का वैल्यू 1 रख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन कुछ हो रहा है, जैसे NaCl है, वो टूट करके दो दो पार्टिकल में बन जा रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, तो आई का वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे। तो हम इसी के साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि NaCl टूट करके दोगुना हो जाएगा, तो 10 मॉलिक्यूल लेकर क्या होगी, तो 10 सोडियम आयन, 10 क्लोराइड आयन, मिलाकर के 20 आयन्स हो जाएंगे, तो दोगुना हुआ ना। तो जितने गुना हो जाए, दोगुना हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ चीजें टूट करके 3 गुना हो सकती है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ चीजें 4 गुना हो सकती है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जितने टाइम्स हो जाए, जितने गुना बढ़ जाए, उससे मल्टीप्लाई करोगे और उसी को बोलोगे वांटा फैक्टर। तो यहाँ NaCl के लिए वांटा फैक्टर फिलहाल 2 है, तो 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, अब अपना सोल्यूशन अच्छा हो रहा है। तो तुम कह सकते हो पिछले केस में फॉर्मूले में आई लगाए कि न लगाए, तो पिछले केस में भी हम लोग आई का वैल्यू लगा सकते हैं, और आई का वैल्यू पिछले केस में 1 रखेंगे, तो 1 रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर अभी आ रहा है वही आंसर, मतलब जो आंसर पहले आ रहा था वही आंसर अब भी आएगा। तो जब डिसोसिएशन वगैरह नहीं होगा तो आई को रखो और आई का वैल्यू 1 लगाओ, और जब डिसोसिएशन वगैरह हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में केयरफुल्ली सोचो आई का वैल्यू कितना आएगा। अलग अलग सिचुएशन में आई का वैल्यू अलग अलग आएगा, जैसे NaCl था तो आई का वैल्यू 2 आया, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, तो 0.52 मल्टीप्लाइड विद 0.6, 6 × 2 12 × 2 बचा 1, 6 × 5 30 और 1 31, 1 अंक पर इसमें डेसिमल है, 2 अंक पर इसमें डेसिमल है, 3 अंक पर इसमें डेसिमल लगेगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें इतना बढ़ जाएगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.312 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर दोगे तो 100.312 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट को निकालते समय वो आई का ध्यान हमको रखना है, जहां पर डिसोसिएशन होगा, कभी कभी डिसोसिएशन का उल्टा भी होता है एसोसिएशन, तो वांटा फैक्टर को हम लोग एक सेपरेट क्लास में भी डील करेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा डील कर दिया लेकिन एक सेपरेट क्लास में उसे डील करने की जरूरत है, हम लोग इसे सेपरेट क्लास में डील करेंगे। यहाँ सिर्फ इसलिए डील किया ताकि समझो आई हमको लेना पड़ता है जरूरत पड़ने। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन,
फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, चलो कह दिया डेल्टा टी एफ, एंड अगेन इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने वाला कॉन्स्टेंट है या प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। नाम इसे देते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक, किसी चीज को ठंडा करते हैं तो क्रायो बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी इसे कहते हैं। तो दोनों में से जो भी नाम लेना चाहो, और जैसी बातें केएफ केवी के बारे में की थी वैसी बातें केएफ के बारे में भी कह सकते हैं। ये भी सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके साथ भी वैसे वैसे ही कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। और अगर कुछ अनसंट चीज आ रहा है जो डिसोसिएट वगैरह हो रहा है तो फॉर्मूले में आई हमेशा रखो। आई का इस्तेमाल कैसे करना है? नॉर्मल चीज रहे तो आई की जगह वन रखो, और एबनॉर्मल चीज रहे जो टूट टूट जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आई का वैल्यू 2, 3, 4 जो भी रखना पड़े रखो। जैसे एनएसीएल है, एनएसीएल टूटेगा तो क्या देगा? एनए प्लस सीएल माइनस। तो तुम एक बार एनएसीएल लेकर के चलोगे, सपोज तुम जो है एनएसीएल के 100 मॉलिक्यूल्स को लेकर के चलते हो, तो टूटेगा तो क्या देगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, 100 बार ये 100 बार ये, तो 100 से टोटल कितना हो गया? तुम 100 लेकर के चले थे इस पार, लेकिन इस पार पहुंचते पहुंचते 200 हो गया, तो 2 गुना हो गया ना, 2 टाइम्स। तो आई का वैल्यू यहां पर 2 लिख दोगे। कोई ऐसा चीज है जैसे MgCl2 है, MgCl2 टूटेगा तो क्या होगा? Mg देगा 2+, 2 डोक्लोराइड देगा। तुम इसके 100 मॉलिक्यूल्स को पानी में घोलोगे तो 100 डो मैग्नीशियम बनेगा और 200 क्लोराइड बनेगा, तो टोटल हो गया 300। तुम 100 लेकर के चले थे, अब कितना हो गया? 300 हो गया। तो 100 से 300 कितना गुना हो गया? डिवाइड कर दो 300 बटे में 100, यही है आई का वैल्यू 3। तो तुम कह सकते हो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई, एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं? 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ऊपर की तरफ क्या रखना है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे की तरफ क्या रखना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कुछ एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा मान करके हम जितने पार्टिकल्स सोच सकते हैं वो सोच ले, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद एक्चुअली जो पार्टिकल्स का नंबर है वो सोच ले, दोनों को डिवाइड कर दे तो जो नंबर मिलेगा वही आई का वैल्यू होगा। तो ये फॉर्मूला देखने में लगता है इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम तो सीधे सीधे जानते हैं 100 से 200 हो गया तो 2, 100 से 300 हो गया तो 3, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी? जैसे सपोज अपने पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करता है, ये पानी में जाएगा टूटेगा, टूट करके सपोज ये 20% जस्ट डिसोसिएट करता है, 20% मतलब 100 में से 20 डिसोसिएट होंगे बस, तो 20 तो जब डिसोसिएट होगा तो BCA बनेगा और BCA बनेगा, तो ये कितना बचा? 80 बचा है अनडिसोसिएटेड, BCA और BCA टोटल कितना हो जाएगा? 100 में से 20 डिसोसिएट हो चुका है, 80 बचा हुआ है, 20 एसिटेट आयन बने हुए हैं, 20 हाइड्रोजन आयन भी बने हुए हैं, सब मिला दोगे तो 120 हो जाएगा। तो तुम 100 लेकर के चले थे, अभी 100 से कितना हो गया? 120 हो गया, तो आई कितना हो जाएगा? 120/100 बराबर 1.20। तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला थोड़ा सा तुम्हें काम देगा ना, टेढ़े मेढ़े सिचुएशन में फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों को लॉजिकली चीजों को हैंडल करने आना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो उसी को फॉर्मूला बना करके भी हैंडल करने आना चाहिए, या फिर फॉर्मूला हैंडल करने आना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसी को लॉजिकल वे में भी हम लोग बिना बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हुए भी बात कर सके, वो भी आना चाहिए। तो इसमें हम कोई न्यूमेरिकल तुमसे नहीं सॉल्व करा रहे हैं, इसमें फॉर्मूला बिल्कुल वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस केबी का केएफ हो गया है। सो उसी टाइप के प्रॉब्लम्स यहां पर भी होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ये थोड़ा जो है समझने वाली चीज है, इसे समझना है। सपोज हमने एक ऐसा जो है कंटेनर टैंकर कुछ ले लिया, इसमें बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर क्या है प्योर वाटर, इधर भी प्योर वाटर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये ऐसी चीज होती है जो पानी को इधर से इधर या इधर से इधर जाने को अलाउ करता है, लेकिन पानी में तुम चीनी घोल दो तो चीनी इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकता, पानी आ जा सकता लेकिन चीनी नहीं आ जा सकता है। तो अगर इधर कहो प्योर वाटर है, इधर भी प्योर वाटर है, तो ऐसे सिचुएशन में जितना पानी इधर से इधर जाएगा उतना ही पानी इधर से इधर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। लेकिन तुमने क्या किया, मान लो इधर जो है पानी के साथ तुमने क्या किया 10% इसी में चीनी घोल दिया, तो 10% चीनी घोलने का मतलब पानी तो 90% ही रहेगा, जबकि इधर क्या है 100% पानी है। तो पानी किधर ज्यादा, इधर ज्यादा कि उधर ज्यादा, तो इधर पानी कम इधर पानी ज्यादा। ऐसे सिचुएशन में पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करेंगे, जिधर पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वो इधर से इधर जो है नेट मूवमेंट शो करेंगे, ये भी इधर से इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन डेफिनेटली इधर संख्या कम है तो इधर से इधर कम आ पाएगा, इधर संख्या ज्यादा है तो इधर से इधर ज्यादा जाएगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, पानी इधर से निकल करके इधर की तरफ जाने लगेगा, इधर से इधर भी आ रहा है इधर से इधर भी जा रहा है, लेकिन ये कम है तो कम आएगा, ये ज्यादा है तो ज्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इधर पानी कम था तो पानी का मूवमेंट इधर से इधर कम होगा, और इधर पानी ज्यादा है तो पानी का मूवमेंट इधर से इधर ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इधर की तरफ एक प्रेशर काम कर रहा है। तो जब भी तुम क्या करोगे, एक एक तरफ क्या करो, कोई सोल्यूशन भर लो, और दूसरी तरफ क्या करो, इधर की तरफ प्योर वाटर भर लो, ठीक, इधर प्योर वाटर, तो हमेशा सिचुएशन ऐसा ही होगा, पानी इधर से इधर भी आएगा इधर से इधर भी जाएगा, लेकिन नेट मूवमेंट इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये मूवमेंट कम होगा ये मूवमेंट ज्यादा होगा, ये एरो में रो छोटा बनाया है ये एरो थोड़ा बड़ा बनाया है इसी चीज को दिखाने के लिए। तो नेट मूवमेंट क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर की तरफ जाएंगे, जब इधर से इधर की तरफ जा रहे तो क्या होगा, एक प्रेशर इधर काम कर रहा है। तो जब तक ये सोल्यूशन, इधर भी प्योर वाटर था इधर भी प्योर वाटर था, कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक तरफ प्योर वाटर एक तरफ सोल्यूशन होने की वजह से हम कह रहे हैं कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर काम करने लगा, एक प्रेशर काम कर रहा है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। इसको नापे कैसे, हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऊपर थोड़ा पिस्टन वगैरह लगा दे, ऐसा एक पिस्टन लगा दे, ठीक, पिस्टन लगा दे, इस पिस्टन से हम ऊपर से प्रेशर नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो हम प्रेशर लगाएंगे तो देखेंगे कि प्रेशर लगाएंगे तो ये डेफिनेटली ये प्रेशर क्या करेगा, हमारा प्रेशर इस वाले प्रेशर को अपोज करेगा, तो कभी न कभी तो ऐसा होगा ना कि हमारा प्रेशर एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा, जब इसके बराबर हो जाएगा तो पानी का मूवमेंट इधर रुक जाएगा, पानी का मूवमेंट इधर से इधर जो हो रहा था अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, और इसी से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, कि सॉल्यूशन साइड पर इतना प्रेशर तुम लगाओ जिससे कि वाटर का मूवमेंट इसमें ना होने पाए, ठीक। एक सॉल्यूशन लो, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, नाम भी लिख देते हैं तुम्हारे लिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो कि पानी को आने जाने देगा लेकिन पानी में घुले हुए चीनी को नमक को वगैरह वगैरह को आने जाने नहीं देगा। तो पानी इधर से इधर आ रहा था, उसको रोकने के लिए हमने इधर से प्रेशर लगाया, तो ऐसा सिचुएशन आया कि अपना प्रेशर हमने इतना एडजस्ट किया कि ये प्रेशर एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए और पानी का मूवमेंट ना तो इधर से इधर हो ना तो इधर से इधर हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन साइड पर लगाया हुआ मिनिमम प्रेशर, ज्यादा लगा दोगे तो उल्टा भी हो सकता हो, ये हो सकता है कि पानी इधर से निकल करके इधर चला जाए, समझ रहे हो ना, कि प्रेशर इधर से काम कर रहा था तो पानी इधर जा रहा था, अब इधर का प्रेशर बहुत ज्यादा कर दोगे तो पानी इधर से निकल करके इधर की तरफ भी जाने लगेगा, इसको तुम नाम देते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो, कि सॉल्यूशन साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, इस प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर दो तो पानी इधर से निकल करके इधर जाने लगेगा, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसका फायदा उठाते जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है नॉर्मल वे में, जैसे समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाकों में क्या होता है, समुद्र में खारा पानी होता है, नमकीन नमकीन, उस पानी को पी नहीं पाओगे, कभी कोशिश करना, हम जब तक समुद्र में कभी नहीं गए थे हमें लगता था थोड़ा सा नमक ही तो होगा, पी लेंगे तो क्या चला जाएगा, लेकिन एक बार जब समुद्र में गए तो पता चला इतना भयंकर नमकीन होता है उसे पी पाना पॉसिबल नहीं है, और पी भी लोगे जबरदस्ती तो अंदर जाकर के सारा बैलेंस तुम्हारा गड़बड़ कर देगा, बॉडी में बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड होने से बॉडी के अंदर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो हमको मान लो समुद्र के पानी से पीने वाला पानी बनाना है, तो हम एक तरफ क्या कर दे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दे, और इधर जो है सी वाटर समुद्र का पानी भर दे,
और इस पर ऊपर से एक पिस्टन, वही पिस्टन लगा करके खूब जोरदार प्रेशर अप्लाई करें, ठीक। तो हम देखेंगे पानी इधर से निकल करके इधर, इसमें खुला हुआ नमक इधर नहीं जा सकता, लेकिन पानी इधर आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से इधर क्या हो जाएगा, प्योर वाटर तुम देखोगे बनता चला जाएगा। तो सी वाटर से प्योर वाटर, पीने वाला पानी बनाया जा सकता है बाई यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पूछा जाए ऑस्मोसिस क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे कि जब भी किसी सॉल्यूशन को प्योर वाटर के साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है, तो हम देखते हैं पानी के मॉलिक्यूल इधर से इधर प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के इसी मूवमेंट को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन प्योर वाटर, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, तो हम देखेंगे पानी के मॉलिक्यूल प्योर वाटर से सॉल्यूशन की साइड में मूव करना शुरू करते हैं, और इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसको रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड में जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, और अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो पानी के मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पी से दिखा दो, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सी जो है मोलर कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, और टी जो है डेफिनेटली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट समझते हो ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कैसा टेम्परेचर होता है, केल्विन वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पी इक्वल टू सी इंटू टी, या फिर इसको हटाओगे तो पी इक्वल टू सी आर टी, ये आर गैस कांस्टेंट वाला ही कांस्टेंट है, जो गैसियस स्टेट में पढ़ते हो कि आर बराबर इतना इतना होता है, ये वही वाला कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन के केस में भी गैस कांस्टेंट आ गया, ठीक। तो आर बराबर 0.0821 एटमॉस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन, जो यूनिट वहां गैस कांस्टेंट का होता है और जो वैल्यू वहां गैस कांस्टेंट का होता है वही वैल्यू यहां पर भी है। इसे तुम नाम देना चाहो तो सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये सॉल्यूशन कांस्टेंट ही गैस कांस्टेंट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वही वाला कांस्टेंट यहां है, हम मोलर कंसंट्रेशन रख दे, टेम्परेचर रख दे, आर का वैल्यू रख दे, तो पता लगा सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कितना काम कर रहा है। जैसे सपोज हम लोग एक सिचुएशन ट्राई करते हैं, हमने क्या किया, हमने यूरिया ले लिया से 0.24 ग्राम और इसमें पानी मिला दिया, और पानी मिला करके हमने 50 ml सॉल्यूशन बना लिया जिसका टेम्परेचर जो है हमने 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें निकालनी पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कहता है पाई इक्वल टू सी आर टी। मोलैरिटी निकालोगे कैसे निकालोगे, मोलैरिटी बराबर मोल, ठीक, मोल किसका, यूरिया का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा। तो यूरिया कितना मोल है, यूरिया ग्राम में दिया हुआ है, इसको मोल में बदल दो। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। मॉलिकुलर वेट निकालने वाली विद्या का प्रयोग करोगी, 60 आएगा इसका मॉलिकुलर वेट, ये मोल में बदलना है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट है 0.24 ग्राम डिवाइडेड बाय 60, ऐसे ही छोड़ दो। सॉल्यूशन 50 ml, इसको लीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा, इधर कर देते हैं ना, सॉल्यूशन 50 ml है, 50 ml को 1000 से डिवाइड कर दो, 50 बटे में 1000 लीटर हो गया, ठीक। इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, यहां पर रख लेंगे हम लोग सीधा सीधा। तो 0.24 डिवाइडेड 60 मोल, मोल डिवाइडेड, अब नीचे वॉल्यूम लेना है लीटर में लेना है तो ये रख दो, 50 डिवाइडेड 1000 लीटर हो गया। सॉल्व कर लो इसे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जस्ट, अभी कोई डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे पक्का पक्का, इंटू 1000/50 ऐसे लिखोगे, ये दोनों जीरो जाएंगे तो ये डेसिमल यहां से खत्म हो जाएगा। इस चीज को समझना ना, जैसे मान लो मेरे पास है 0.295, इसमें तीन अंकों के बाद डेसिमल और इधर तीन जीरो है, तो ये तीनों जीरो गए और ये डेसिमल गया। अगर अपने पास 0.2962 है और इधर
चार जीरो हो जाए, तो ये चारों जीरो गए और ये डेसिमल गए, क्योंकि इधर भी चार अंकों के बाद ही डेसिमल था, तो इस चीज को कभी कभी बच्चे नहीं डील कर पाते हैं। तो दो जीरो जाएगा और डेसिमल गया, और ये एक जीरो बचा हुआ जीरो इसे भी कटा लो, तो ये हो जाएगा 24/16×5 300 तुम लिख सकते हो, या फिर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो तीन से कट जाएगा ये 100 बार में, तीन से कट जाएगा 8 बार में, तो 8/100 ये मोलैरिटी आ गई। यहां पर हम इसकी जगह रखेंगे। टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसको बदलोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक। तो टेम्परेचर को केल्विन में रख देंगे। तो कंसेंट्रेशन कितना हो गया, ये आया है 8/100 मोल पर लीटर। हम नीचे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो पी बराबर सी आर टी, कंसेंट्रेशन कितना आया है 8/100 मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड आर का वैल्यू 0.0821 मोल एटमॉस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक। ये एक वैल्यू हुआ, ये दूसरा वैल्यू हुआ, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये तीसरा वैल्यू हुआ। सॉल्व करोगे ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा ये लीटर से लीटर कट जाएगा, लीटर के पावर -1 लीटर के पावर +1 कैंसिल, मोल से मोल कट जाएगा, मोल के पावर +1 मोल के पावर -1, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, केल्विन के पावर +1 केल्विन के पावर -1, बस बचेगा बच जाएगा एटमॉस्फियर। तो अब जो वैल्यू अपने पास आया है 8/100×0.0821×300, ठीक। और यूनिट में सिर्फ एटमॉस्फियर बचेगा, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है एटमॉस्फियर होता है, ये सॉल्व कर लो, ये जीरो से जीरो ये फिर से कट जाएगा, और इसको तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर अब एज सच मल्टीप्लाई करके जो भी तुम आंसर लिखना चाहो वो लिख लो। तो इस तरह से किसी सोल्यूशन को देख करके उसका मोल कंसेंट्रेशन वगैरह निकाल करके ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग निकाल सकते। यहां पर भी अगर सपोज NaCl वगैरह जैसा सिचुएशन आ जाए तो हमें इसमें आई से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इस सिचुएशन में देखें तो आई का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो मल्टीप्लाइड विथ 1 भी कर सकते हो। ये क्या आई का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यूरिया का जो है उस तरह से हम लोगों ने यूरिया लिया था, यूरिया टूटता फूटता नहीं है, तो यूरिया टूटेगा फूटेगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आई का वैल्यू 1 रहेगा। तो जहां कोई टूट फूट नहीं हो रही है, ना कुछ टूटा ना कुछ जुड़ा, आई का वैल्यू 1, और जहां पर तोड़ोगे या जोड़ोगे आई का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, 1 से ऊपर नीचे जाएगा। डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होने लगता है, एसोसिएशन हो जाए, कभी कभी एसोसिएशन भी होता है, जैसे 100 लोग आए लेकिन 100 लोग क्या किए कि दो दो का ग्रुप बना लिए, तो 50 हो जाएगा, 100 लोगों को बुलाओ और दो दो के ग्रुप में बैठ जाए तो 50 हो जाएगा ना, तो अब वो 100-100 नहीं रहे, 50 ग्रुप्स बना लिए, 50 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, तो 100 लोगों ने मिलकर के 50 लोगों का 50 मतलब 50 ग्रुप्स बना लिए, तो 100 से 50 अगर हो जाए सिचुएशन ऐसा रहे, कभी कभी एसोसिएशन भी होगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन में मान लो एक्स के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक्स टू बना ले रहे हैं किसी तरह से, तो हम बोलेंगे 100 था तो 100 से कितना हो जाएगा, डेफिनेटली ये 50 बार बनेगा, क्योंकि दो दो करके यहां पे जोड़ते चले जाना है, तो 100 से 50 तो हो ही जाना है, 100 लोगों को एक साथ ऐसा बिठाओ कि एक टेबल पे दो लोगों को बिठाना है, तो 50 टेबल की जरूरत पड़ेगी ना, प्रत्येक टेबल पे दो लोग, 50 टेबल पे 100 लोगों को एडजस्ट कर ले जाओगे, तो 100 से 50 हो जाएगा ये, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/100 0.5, तो आई का वैल्यू जब एसोसिएशन होता है तो 1 से कम आता है, डिसोसिएशन होता है तो 1 से ज्यादा होता है, और इन फॉर्मूले में हम आई के वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इस क्लास में अपनी तरफ से इतना ही रहेगा। हम लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, समझा, फॉर्मूला देखा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए, और आई को भी इंट्रोड्यूस किया, क्वांटा फैक्टर अगर जरूरत पड़े तो इन फॉर्मूलों में कैसे इस्तेमाल करना है, हालांकि जो सबसे पहला फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने आई नहीं मल्टीप्लाई किया है, पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा था P0 - PS/P0 = n/n+n, क्या इसमें भी आई मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर है यस, इसमें भी आई मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पर, कैपिटल एन में कि स्मॉल एन में, तो किसका डिसोसिएशन होगा, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो आंसर है सोल्यूट का डिसोसिएशन होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका मॉडिफाई होने जा रहा है, तो एन इंटू आई, ठीक, और इसमें स्मॉल एन में स्मॉल एन इंटू आई, और कैपिटल एन वैसे ही चेंज पड़ा रह जाएगा।
तो अगर आई को मल्टीप्लाई करना है तो कैपिटल एन में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल स्मॉल एन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो सोल्यूट है, जो चीनी है, चीनी की जगह नमक घोल दिया तो नमक का मॉलिक्यूल टूटेगा, पानी का मॉलिक्यूल तो थोड़ा टूटने जा रहा है, तो सॉल्वेंट के मोल में कोई चेंज नहीं आने जा रहा है, सोल्यूट के मोल में चेंज होने जा रहा है, उसका डिसोसिएशन होगा या उसका एसोसिएशन होगा, तो आई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई होप तुमने एंजॉय किया। आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।